अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। और अभी मैं मौजूद हूँ जी पंजाब यूनिवर्सिटी के पीसी ढाबा, और आज के हमारे इस व्लॉग में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पीसी ढाबा है इसको कवर करूँगा। आपको इसकी डिशेज़ के बारे में बताऊँगा कि ये कौन कौन सी डिशेज़ ऑफ़र करते हैं, इसके अलावा जो है इनके रेट्स हैं वो क्या है, और इस बात का जो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ऐसी कौन सी वजह है कि लोग दूर दूर से यहाँ से खाना खाने आते हैं। जो ये वाली विंडो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है पैसे पे करके स्लिप लेनी पड़ती है, और स्लिप लेने के बाद जो ये दूसरी विंडो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे आपको खाना सर्व कर दिया जाता है जो कि आपको खुद लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे केटरिंग सर्विस नहीं प्रोवाइड की जाती, सेल्फ सर्विस दी जाती है। आपको सबसे पहले जो बिल पे करने के बाद इस तरह की जो स्लिप्स हैं वो दी जाती हैं, और ये स्लिप ले के आप जो है वो दूसरी विंडो पर चले जाते हैं। हमारे पास दूसरी स्लिप आ जाती है, वो लेके हमें इस वाले स्टॉल पे जाना पड़ता है ताकि यहाँ से हम लोग जो है वो रोटियाँ ले सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पीसी ढाबा है इसका लाइव तंदूर भी मौजूद है, ताकि जो खाना खाने वाले हैं उनके लिए गर्मा गर्म जो रोटियाँ वो तैयार की जाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मकदार में जो वो रोटियाँ बनाने का जो प्रोसेस है वो जारी है। ये पीसी ढाबा का मेन्यू, ये मेन्यू सामने देख सकते हैं, जिसमें जो चिकन कौरमा है उसकी जो प्राइस है 90 है, दाल फ्राई 80 में है, चिकन कढ़ाई 150, उसके बाद बाकी जो सब्ज़ियाँ उनकी भी जो रेट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। हम लोगों ने जो है वो खाना मंगवा लिया, और हमारे पास जो एटलीस्ट है इनकी सारी की सारी डिशेज़ मौजूद हैं, जिसमें इनकी स्पेशल दाल आ जाती है, चिकन कढ़ाई आ जाती है जो कि इनकी सबसे टेस्टी है। इनकी सबसे स्पेशल ये जो दाल है मक्खन में फ्राई की, ये हमारे पास आ जाती है, चिकन कढ़ाई आ जाती है, और ये हमारे पास इनकी सारी डिशेज मौजूद है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पीसी ढाबा है यहाँ पे बैठने के लिए एक बहुत ही वसी इंतज़ाम किया गया है, ताकि जो स्टूडेंट्स और आउटसाइडर्स आएँ यहाँ पर खाना खाने के लिए वो सुकून से बैठ के यहाँ से खाना खा सकें। और इसके अलावा आपके टेबल्स और चेयर्स की सफाई भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना प्रॉपर जो है वो इंतज़ाम किया गया है। ढाबा के बिल्कुल साथ ही फ्रेश जूस कॉर्नर भी मौजूद है, यहाँ से आप लोग जो है वो फ्रेश जूसेस भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स मौजूद हैं जिसके ये फ्रेश जूसेस जो है वो सर्व करते हैं। जूस कॉर्नर के बिल्कुल साथ जो है ये बारबेक्यू का स्टॉल मौजूद है, यहाँ पे जो है ये फ्रेश बारबेक्यू वो कस्टमर्स को सर्व किया जाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी मकदार में जो है ये बारबेक्यू तैयार किया जा रहा है। के साथ जी बिल्कुल ये चाय का स्टॉल भी मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाईजान जो कितनी मज़ेदार चाय बना रहे हैं, शक्ल से ही बहुत मज़ेदार लग रही है। इसके अलावा पीसी ढाबा के बिल्कुल साथ हमारे जो पठान भाई हैं उन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है स्पेशल कावे का, यहाँ पे ये गर्मा गर्म जो कावा है वो खाना खाने वालों को सर्व करते हैं, ये आप देख सकते हैं। जा नहीं रहे तुम हमारे सेंटीमेंट्स में आ रहे हो, सेंटीमेंट्स में नहीं आ रहे हम लोग, अब उधर से स्टार्ट करते हैं। पहले आप एक रूल तय करें, रूल ये है कि बात ये डॉल्फिन कोर्स वालों को भी देख सकते हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पीसी ढाबा से खाना खाने आए हुए हैं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पीसी ढाबा है वो खाने की इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है बहुत अच्छे रेट्स में कि लोग दूर दूर से यहाँ पर खाना खाने आते हैं।
हमारे पास ये सामने पीसी ढाबा है, और अगर हम पीसी ढाबा के बिल्कुल सामने देखें तो ये वाली जो बिल्डिंग लाइट के पास आपको नज़र आ रही है, कलमा चौक में वाक़ है। मतलब इस दीवार के पार जो है वो कलमा चौक है, और ये वाला हिस्सा जो है ये पूरी यूनिवर्सिटी के पास है, मतलब कि पूरा कैनाल रोड जो है वो यूनिवर्सिटी के पास है। इसके अलावा पीसी ढाबा के बिल्कुल साथ जो यूनिवर्सिटी का ये वाला हिस्सा है, ये सारा प्लेइंग ग्राउंड है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह की सहूलियत फराहम की गई हैं। जो है वो कोरोना सीज़न चल रहा है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी बंद है, और ज़्यादातर जो हॉस्टल्स हैं वो भी स्टूडेंट्स के बंद हैं। ये वाला जो हिस्सा है यूनिवर्सिटी का, ये हॉस्टल्स वाली साइड पे लगता है, और हॉस्टल बंद होने की वजह से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने घरों को गए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रश है वो बहुत कम है। यहाँ पर इतना क्वालिटी फूड प्रोवाइड किया जाता है कि जो आउटसाइडर्स हैं लाहौर के, वो भी यहाँ से आके खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि इनका जो क्वालिटी है फूड का वो बहुत कमाल का है। इसके अलावा जो खाने का टेस्ट है वो बहुत गेट पे पूछते ही नहीं, वैसे ही आने देते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। असल में कोरोना सीज़न की वजह से हर जगह पे जो है वो डाइन इन बंद है, जिसकी वजह से हम लाहौर की जो फूड स्ट्रीट की अच्छी अच्छी जगह हैं उनको कवर नहीं कर पा रहे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो तमाम वीडियो हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young.